रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर फ्रेश बैचेस क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम CBSE एंड ICSE नया बैच 15 मार्च 2020 से स्टार्ट 9576144386 नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डॉक्टर प्रवेश दुबे के द्वारा राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता से जीत कर आए सभी बालिकाओं को सम्मानित किया गया। रेडमा बारालोटा स्थित तक द कराटे एकेडमी में महिला दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि चर्मरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवेश दुबे, विशिष्ट अतिथि मंजू देवी, रेजिडेंशियल स्कूल के निदेशक विकास कुमार। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रवेश दुबे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। घर से निकलते वक्त सावधानी बरतें। अपने शहर के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कराटे प्रतियोगिता में जाकर अपने पलामू के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। पलामू के लिए यह गर्व की बात है कि यहाँ के विद्यार्थी देश में ही नहीं विदेश में भी कराटे प्रतियोगिता में जाकर पलामू का परचम लहरा रहे हैं। विशिष्ट अतिथि विकास कुमार ने विद्यार्थियों की कुशलता को देखकर उन्हें कराटे के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करते रहे यह शुभकामनाएं दी। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय यूथ गेम में कराटे में से स्वर्ण पदक लेकर आए अर्चना सिंह, मुस्कान पटेल, आकर्ष प्रताप, अविनाश कुमार मेहता, ओम प्रकाश को अनमोल मुस्कान फिल्म प्राइवेट लिमिटेड तरफ से डॉक्टर प्रवेश दुबे के हाथों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कराटे की बेहतरीन डेमो दिखाने के लिए विशाखा वर्मा, साक्षी वर्मा, रितु कुमारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक लेकर आई अनाया खत्री को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन द कराटे अकेडमी के निर्देशक संसाई सुमित कुमार ने किया। नमस्कार, आज अनमोल मुस्कान फिल्म एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा द कराटे अकेडमी बारालोटा में सेंसेई सुमित कुमार के द्वारा आयोजित सभा में उनके इंस्टीट्यूट में जो है सो महिला दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग कुछ बच्चियों को जो पलामू जिला का नाम रोशन किए हैं और बाहर से फाइट करके आकर के हमें जो मेडल दिलाए हैं, जो इज्जत हमारे शहर को बख्शे हैं, उनके लिए हम अनमोल मुस्कान फिल्म एंटरटेनमेंट के द्वारा जो है प्रशस्ति पत्र के माध्यम से उनको सम्मान दिए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से वो आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे शहर, हमारे देश, हमारे राज्य के नाम जो है ऊंचा करते जाएंगे और समय समय पे हम उनके साथ खड़े रहेंगे, उनका मनोबल को बढ़ाते रहेंगे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते रहेंगे। हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे बच्चियां थे, बहुत सारे लोग जमा हुए थे जो कि इस कार्यक्रम में भाग लिए थे और इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए जिससे कि बच्चों का मनोबल बढ़ता रहना चाहिए और भी लोगों को आगे आना चाहिए जो हमारे शहर, हमारे राज्य का जो नाम ऊंचा करते हैं, वैसे बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कुछ पुरस्कार के माध्यम से, कुछ मिल करके या कुछ सम्मान दे करके, और आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।